हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टू वर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी यानी CDP का सेशन नंबर 8 और हमारी टारगेट ऑडियंस रहेगी HP नॉन मेडिकल टेट, HP आर्ट्स टेट, HP JVT टेट और HP मेडिकल टेट। तो जो भी इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि टारगेट फोकस आप सभी को प्रोवाइड कर रहा है फ्री वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स और आपको टारगेट फोकस पे 100% सेटिस्फेक्शन होने वाली है। और टारगेट फोकस आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हर एक सेशन का PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होंगे। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक है। और जिसने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर सारी वीडियोस ऐड कर रखी है प्लेलिस्ट में। और जितने भी लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, तो आप सभी से निवेदन है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट लर्निंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। ऑप्शन दे रखे हैं, इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, इमोशनल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स, सोशल एंड कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट लर्निंग। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी आपका इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, इमोशनल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स, सोशल एंड कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी ये सभी कारक जो है आपके लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अमन ऑलवेज थिंक ऑफ मल्टीपल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, मैनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सोल्यूशंस, अमन इज डिस्प्लेइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन, यानी अमन हमेशा एक समस्या के कई समाधानों के बारे में सोचता है जिनमें से कई मूल साधन होते हैं। अमन एक डैश की विशेषताएं प्रदर्शित कर रहा है, यानी ऑप्शन दे रखे हैं, क्रिएटिव थिंकर, कन्वर्जेंट थिंकिंग, रिजिड थिंकर, इगोसेंट्रिक थिंकर। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए, आप सभी ने चूज़ कर लिया, तो अमन हो जाएगा भाई, एक रचनात्मक विचारक यानी क्रिएटिव थिंकर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी, यानी आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन द्वितीय समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। ऑप्शन दे रखे हैं, फैमिली एंड नेबरहुड, फैमिली एंड मीडिया, स्कूल एंड मीडिया, मीडिया एंड नेबरहुड। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी। आप सभी ने चूज़ कर लिया, तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, स्कूल एंड मीडिया। तो अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डैश इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑन चिल्ड्रंस थिंकिंग, यानी किसके अनुसार बच्चों की सोच पर सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन दे रखे हैं, कोहलबर्ग, पियाजे, वाइगोस्की, अल्बर्ट बंदूरा। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए, आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया, तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की सोच पर सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है। तो अगला क्वेश्चन है, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट एमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस, यानी जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों के विकास का सही क्रम क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं, एब्स्ट्रैक्ट, सेंसरी कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट सेंसरी या फिर एब्स्ट्रैक्ट कंक्रीट सेंसरी। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट एमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंसेज, आप सभी ने चूज़ कर लिया, तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, सेंसरी कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट। तो अगला क्वेश्चन है, चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चन इन द क्लास, ऑप्शन दे रखे हैं, टू डिस्करेज टू आस्क, नॉट बी अलाउड टू आस्क, बी स्टॉप्ड फ्रॉम आस्किंग, बी एनकरेज टू आस्क। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए, चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चन इन द क्लास, आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी एनकरेज टू आस्क, यानी चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू आस्क क्वेश्चन इन द क्लास। तो अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट, स्किल, वैल्यू एंड मोटिव दैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेम्बर ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड, यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चों में आदतें, कौशल, मूल्य और उद्देश्य विकसित होते हैं जो उन्हें समाज का जिम्मेदार उत्पादक सदस्य बनाते हैं, वे क्या कहलाते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, सोशलाइजेशन, इंक्लूजन, मेनस्ट्रीमिंग, डिफ्रेंशिएशन। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए, द प्रोसेस बाई विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट, स्किल, वैल्यू एंड मोटिव
दैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड, अर्थशास्त्र ने चूज कर लिया तो उसको बोलते हैं भाई सोशलाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, एज पर हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस व्हाट शुड बी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन विद लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ऑप्शन दे रखे हैं, सेंसिटिविटी टू साउंड रिदम एंड मीनिंग ऑफ वर्ड, एबिलिटी टू परसीव विजुअल स्पेशल वर्ड एक्यूरेटली, एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड एप्रिशिएट पिच रिदम एंड एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल एक्सप्रेसिवनेस, सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न, हैंडल लॉन्ग चेन ऑफ रीजनिंग। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, एज पर हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस व्हाट वुड बी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन विद लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। विश्वास अभी नहीं चूज कर लेगा। तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की विशेषता होगी भाई, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पैटर्न के प्रति संवेदनशीलता और लगने की क्षमता, तर्क की लंबी श्रृंखला को संभालना। तो अगला क्वेश्चन है, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट मेजर, यानी रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो है ये टेस्ट जो है ये क्या मेजर करते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, पर्सनैलिटी, रीडिंग एफिशिएंसी, इंटेलिजेंस या फिर एप्टीट्यूड। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट मेजर, सभी ने चूज कर लिया। तो रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट मेजर करता है भाई इंटेलिजेंस, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाई, यानी बुद्धि के दो कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन दे रखे हैं, थर्स्टन, स्पीयरमैन, बिने, पियाजे। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, सभी ने चूज कर लिया। तो टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाई स्पीयरमैन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं, उम्मीद आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।